हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की ज्योति विश्व भर में जगमगाए। सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त रविंदर, और आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ 27 नंबर की, कि आपकी लाइफ में ये 27 नंबर क्या रोल निभाने वाला है। अगर आपके एंजल, आपके पास जो दिव्य आत्माएं रहती हैं, ये यूं कहे कि यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रहा है इस नंबर के माध्यम से, आपकी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, और इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपके जीवन में एक विशेष चेंज आने वाला है और ये चेंज पॉजिटिव होगा। ये काफ़ी खुशी की बात है। वीडियो को पूरा देखें। आप लोग यार वीडियो को अधूरा छोड़ देते हो, जिसकी वजह से आपको वीडियो का समझ में तो आता नहीं है। और हाँ, एक बात और, आप लोग कमेंट करते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग कुछ चैनल पर जाकर विजिट करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियो मैं पहले से ऑलरेडी बना चुका हूँ, और आप उसी के बारे में बार बार पूछ लेते हो, फिर मुझे आपको उसका लिंक आपको देना पड़ता है अलग से। खैर, ये तो अलग की बात होगी। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन बेल आइकन ऑल पर प्रेस नहीं किया है, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। चलिए, तो आज की बात करते हैं 27 नंबर की। ये 27 नंबर आपको जीवन में, भविष्य में एक लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। ये बताता है कि भविष्य में आप ऐसे टॉपिक पर काम करेंगे, या ऐसे विषय पर काम करेंगे, या ऐसी जगह काम करेंगे जहां पर आपका राज कायम होगा। जैसे कि जो इन दोनों से मिलकर 9 बनता है, वो 9 यही दर्शाता है लीडरशिप क्वालिटी को, सफलता को, सक्सेस को। आप बहुत से लोगों पर राज करने जैसा आपकी स्थिति बनेगी। अर्थात ये बताता है कि आप दूसरे लोगों पर राज करेंगे, अपनी बातों से प्रभावित करेंगे। और विशेष बात ये है, यहाँ पर जो 2 नंबर है वो चंद्रमा का नंबर है, मतलब कि नए विचारों का नंबर है। और यहाँ पर जो 7 नंबर है वो केतु का नंबर है, आध्यात्मिकता का नंबर है, और बहुत सारी गूढ़ रहस्यों का नंबर है। अर्थात ये बताता है कि आप अपने दिमाग से नए ज्ञान को अर्जित करेंगे, नया ज्ञान, नई नई चीजों पर रिसर्च या खोज कर सकते हैं, और उस चीज पर, उस ज्ञान के माध्यम से आप लोगों पर राज करेंगे, आप सक्सेस पाएंगे। ये नंबर यही दर्शाता है। दोस्तों, ये तो हो गई करियर की बात। अब मैं अगर बात करूं फैमिली लाइफ की या लव लाइफ की, तो इसका रोल रहने वाला है कि यहाँ पर आपके जो फैमिली पार्टनर है या लवर है, आप उस पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप उस पर प्रभुत्व ना जमाए, बल्कि प्रेम से बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेम में अधिकार तो होते हैं, लेकिन उनके लिए स्वतंत्रता भी जीत दी जाती है। ऐसा ना करें कि आप लीडरशिप क्वालिटी हर जगह अप्लाई कर दें, तो ये लव लाइफ में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी ठीक नहीं रहती है। और इससे भी विशेष बात ये है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरूरी इसलिए है कि लीडरशिप क्वालिटी अपने दम पर की जाती है, किसी दूसरे के दम पर नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि आप दूसरों से सलाह ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना काम स्वयं ही करना पड़ेगा। ऐसा ना करें कि दूसरा बंदा कर देगा, आप ऐसा सोचकर बैठ जाए। जैसे कि अपना लीडरशिप क्वालिटी, जो आप लीड कर रहे हैं दूसरे लोगों को, तो आप किसी और को मत दे कि आप कर लो, मैं बैठता हूँ काम कर, मैं मेरे से मतलब मैं बाद में कर लूंगा। तो ऐसा लापरवाही ना करें, मतलब कि अपने काम आप स्वयं करें। सीधी स्पष्ट शब्दों में बात करूँ तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।